हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज बहुत सारे भाइयों का डाउट था कि अपना एक किया सोनेट HTK हो चाहे 1.0 टर्बो हो, उसमें भाई अपना CNG लग सकती है नहीं लग सकती। बहुत ज्यादा जाने माने और बहुत आपने वीडियो भी देखी होगी उनकी। तो भाई अपने जूबी भाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो भाई। भैया हेलो कर दो। तो जैसे कि आपने पहचान भी लिया होगा, इन्होंने बहुत सारी गाड़ियों में इंस्टॉल की हुई है किट, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है ना, उनको भी इन्होंने ठीक कर दिया। चाहे वो वरना हो, एक से एक बड़ी हाई फाई लग्जरी गाड़ी हो या छोटी अल्टो से लेके कितनी ले लो, सारी गाड़ियां भाई ने इंस्टॉल की हुई है किट, चाहे वो सिक्वेंशियल किट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। तो भाई की आपने वीडियो देखी होंगी। तो गाइस आज मैं भाई के पास ही आ रखा हूं और अपना जो HTK में जो आपके डाउट्स है ना, वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं कि इसमें CNG लग सकती है नहीं लग सकती। बहुत सारा भाइयों का मिथ भी है कि इसमें 1.2 पेट्रोल जो है अपना Hyundai i20 का इंजन है, सेम है, तो उसमें लगने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर पिकअप वाइज, या फिर वारंटी अवॉइड तो नहीं होगी। सारी चीजें क्लियर करेंगे अपने जूबी भाई। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो भाई जूबी भाई, पहला अपना सवाल ये बनता है, ऑडियंस मेरी ये कहती है कि भाई अपनी इस गाड़ी के अंदर जब हम CNG इंस्टॉल करवाते हैं जी, तो ये बताओ पिकअप में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? देखिए मैं आपको एक छोटा सा फैक्टर बता दूं, गाड़ी कोई भी हो, चाहे आपकी ये सोनेट है, चाहे आप क्रेटा पकड़ लो या वरना पकड़ लो, i10 ग्रैंड पकड़ लो, XYZ स्विफ्ट, ये वो हर गाड़ी में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल हर गाड़ी में आएगी प्रॉब्लम, उसकी वजह ये है कि सही से इंस्टॉलेशन नहीं हुई। बिल्कुल अगर हर तरह से बढ़िया साउंड इंस्टॉलेशन नहीं हुई, जो टेक्नीशियन है उसे नहीं पता कि वो क्या काम कर रहा है, वो उसको गाड़ी के इन एंड आउट नहीं पता, अपने काम के इन एंड आउट नहीं पता, तो प्रॉब्लम 110% आएगी। उसमें ना गाड़ी का कोई दोष है, ना जो CNG किट ब्रांड आपने चूज किया उसका कोई दोष है। दोष है बंदा जिसने लगाई है, वो टेक्निकली साउंड नहीं था, उसने बस लिया सामान और चिपका दिया। तो किया सोनेटो या कोई भी XYZ, हर गाड़ी इन शॉर्ट CNG पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर एक ही बार में इन वन गो उसमें एकदम सही से प्रॉपर तरीके से, मतलब हर तरह से प्रिसाइसली ट्यूनिंग हुई हो उसकी, बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन इंस्टॉलेशन हुई हो, तो गाड़ी की लाइफ भी बनी रहती है और स्मूथनेस, पिकअप, एवरेज, हर चीज एक ही बार में बेहतरीन निकल के आती है। बिल्कुल। तो भाई जैसे कि आपने देख लिया होगा, पिकअप वाइज तो आपके सारे डाउट जूबी भाई ने क्लियर कर दिए होंगे। अब सेकंड आता है भाई, इसमें वारंटी अवॉइड होती है? बिल्कुल सर, आपने गाड़ी में किट लगी बाहर से, वारंटी खत्म, कंपनी वाले आपको पहचानेंगे भी नहीं। अच्छा, हाँ आपकी बातचीत है, अगर कुछ दोस्ती आ रही है, अच्छे रिलेशन है, तो शायद आपका काम हो जाए। बट वैसे पर जो भी भाई, इसमें एक छोटी सी चीज है, मतलब गाड़ी सर्विस तो होगी ना अपनी? हाँ, शोरूम में जाके सर्विसिंग तो होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो इन शॉर्ट उन्हें क्या है, अपने टारगेट तो अचीव करने हैं। बिल्कुल, आप कुछ भी लगा के इसमें हेलीकॉप्टर का इंजन लगा के ले जाओ तो तब भी सर्विस करेंगे आपकी गाड़ी, क्योंकि उनको अपने टारगेट अचीव करना है, इसलिए आपको मना नहीं करेंगे। बिल्कुल, सर्विस होगी, सब कुछ होगा, रिपेयर वर्क होगा, बट वो जो आपकी वारंटी वाला एक आपको फैक्टर है, वो थोड़ा सा मसला खराब हो जाएगा। चलो तो भाई जैसे आपने सुन लिया होगा, अपना वारंटी के बारे में मैंने बता दिया, अब दूसरा, पहला दूसरा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, तीसरा जो डाउट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई जूबी भाई, जब इसमें CNG इंस्टॉल होती है तो उसमें जो इंजन की जो एक परफॉर्मेंस निकल के आती है, जैसे जो इंजन भाई 1,00,000 प्लस या 2,00,000 प्लस चलता है पेट्रोल पे, वहां वो इंजन बंद का वो रहता है, मिथ रहता है कि यार वो 1,00,000 पीना खत्म हो जाता है, कंडम हो जाता है, मतलब कहने वाली बात ही है। आप एक छोटी सी बात सुनो, आज की डेट में दिल्ली में, NCR में जितनी भी कैब्स चल रही है, बिल्कुल ठीक है, सब CNG है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बसें हो गई, बड़े बड़े ट्रक हो गए, बिल्कुल CNG, बड़े बड़े जो ट्रेलर है ना, उन तक को CNG में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि वो उनकी उनकी जो एक वो होती है ना वैलिडिटी वो बढ़ जाए, 3-5 साल उनकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। जो ये टैक्सियां हैं 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर पार हैं, ओके, बट वो चल रही हैं, ओके, वो चल रही हैं, बेहतरीन चल रही हैं, जबकि उनको अच्छे से मेंटेन भी नहीं किया जाता, नहीं बस उनको सुबह से वो चालू होती है और रात तक उनकी बुतनिया बना के रखते हैं कैब वाले, ठीक है, तो मतलब नहीं, तो स्टिल वो चल रही है। आप अपनी पर्सनल कार को अगर आप सोचो भाई मैंने CNG लगा दी, अब तो ये अमर है, अमर है, सही बात है, उसकी प्रॉपर टाइम पे सर्विस ना कराओ, जो वो मांग रही है गाड़ी, हवा अपना पानी हो गया, ऑयल हो गया, प्रॉपर कूलिंग हो गई, ल्यूब्रिकेशन हो गई, नहीं दोगे तो सर आप चाहे पेट्रोल पे गाड़ी चला लो, चाहे डीजल पे चला लो, चाहे CNG पे चला लो, चाहे आप रॉकेट फ्यूल पे चला लो, गाड़ी बर्बाद होगी होगी। और एक भाई, एक मेजू भाई, मेरा एक और मतलब भाइयों का मिथ होता है और मेरा खुद का एक पर्सनल सवाल है, जैसे कि गाड़ी अगर मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ तो गाड़ी की जो मेंटेनेंस है, जो पावर है, वो सही निकल रही है, समझ में आती है, चाहे वो क्लच प्लेट हो गई, इंजन ऑयल से रिलेटेड कुछ हो गया। अब जैसे कि अभी CNG गाड़ी जब हम करवा लेते हैं तो उसमें नॉन सिंथेटिक और सिंथेटिक ऑयल का कुछ प्रेफरेंस आता है? जो आपकी कंपनी ने आपको प्रेफर
ऑयल किया है आप वही डालो, वही डालो और कुछ अनोखा नहीं करना आपको okay. कि भाई मैं हाई ग्रेड चला जाऊं लो ग्रेड कर दूं या एक्स वाई जेड कुछ कर दूं। जो कंपनी ने आपको बोल रखा है कि भाई ये इस गाड़ी के लिए स्पेसिफिक इंजन ऑयल है वो डालो, बिल्कुल वक्त पे डालो। मगर जो आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर आप उस पे सर्विस करा लो okay. बस अगर आप ज्यादा ही शौकीन हो कि भाई मेरे को मेरी गाड़ी से बड़ी मोहब्बत है और मेरा इतना पैसा बच रहा है सीएनजी लगा के, अगर 10,000 का आपको ब्रैकेट है आप 9,500 पे सर्विस करा लो, 9,000 पे करा लो एक पैम्परिंग देने के लिए अपनी गाड़ी। मतलब कहने वाली बात तो ये है इसमें टाइम टू टाइम सर्विस की जरूरत जरूर पड़ती है सीएनजी में। अगर पेट्रोल पे भी गाड़ी आप नहीं कराओगे सर्विस तो भिदक जाएगी गाड़ी। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इस चीज के लिए भाई के लिए एक थम्स अप जरूर कर देना। मतलब एक मित्र रहता है भाई, बहुत से भाई होगा की मतलब सीएनजी लगाने के बाद ना इंजन की मतलब हालत खराब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होती, बिल्कुल कुछ आप अच्छे से केयर करो, बस वही वाली बात है। अगर नहीं दोगे तेल पानी तो पेट्रोल पे भी रहते, बिल्कुल बिल्कुल भाई। जैसे कि आप शोरूम पे जाओ, ब्रांड न्यू गाड़ियां खड़ी हैं, इंजन बोल गया जी, क्लच बोल गया जी, वो तो सीएनजी पे नहीं है, बिल्कुल क्योंकि उसका केयर नहीं हुआ, ड्राइविंग स्टाइल अच्छा नहीं था, केयर करने का तरीका अच्छा नहीं था, बस। सही बात है। तो अभी जैसे कि भाई ने आपको बता दिया होगा, और एक और जो मेरा एक डाउट है भाई, अभी जैसे सिलेंडर इसके पीछे लगता है जी, इसमें 12 kg का लग सकता है 14 kg का? वो तो मेरे ख्याल से जैसे 390 2 लीटर का असल में क्या है ना, इसकी से अब टिगोर पकड़ लेते हैं या नेक्सॉन पकड़ लेते जी जी, उनमें क्या है बूट तो बहुत बड़ा है बट क्या है साथ में शॉकर के और जो अब हमारा व्हील वेल होता है ना जिसके अंदर टायर चलता है हमारा डोम, वो इतने ऊंचे हम से उसके तो उसमें 12 kg का नहीं लग पाता। 12 kg का सिलेंडर होता है थोड़ा पतला और लंबा जी, 14 का होता है छोटा और डायमीटर उसका बड़ा होता है, तो मेरे ख्याल से इसमें 14 ही लगेगा। इसका हम निकला हुआ होगा, मैंने अभी ध्यान से देखा नहीं बट 14-12 कुछ भी, वो दैट डजंट मैटर, 1-1.5 kg का फर्क कोई फर्क नहीं है। चलो तो अब एक बात बताओ भाई, अभी जैसे कि मैं इसमें सीएनजी लगवा लेता हूँ आपसे जोगी भाई, एक जैसे कि सीएनजी लगने के बाद जो इसमें फर्क देखने को मिलेगा मेरे को, 1 kg गैस पे कितना चलने की संभावना है भाई? अभी आप बताओ कितनी चल रही है पेट्रोल भाई? अभी पेट्रोल पे मैं एवरेज निकालता हूँ इसकी, अभी एसी पे चल रही है, अभी मैं आपको उन कैमरा भी दिखा देता हूँ भाई, 12.6 की एवरेज तो एमआईडी के अंदर शो कर रहा है, बट वैसे 14 तक निकाल देती है अगर 12 चलो ये तो हम खड़े हैं इसलिए एवरेज डाउन आ गई, बिल्कुल 14 पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल, 15 पकड़ लो खींचा दानी करके, बड़ा ही आपने लाइट फुटेड चला रहे हो 15, अगर ये आपको 15 दे रही है पेट्रोल पे तो आपको 24-25 देगी सीएनजी पे। ओके अब एक छोटा सा फॉर्मूला पकड़ो, 40-50% मोर देन पेट्रोल। पेट्रोल आप एक चीज देखो, दिल्ली में इस टाइम 90 रुपए, 91 भैया कुछ 90 पकड़ लेते हैं, 90 रुपए में आपकी गाड़ी 15 किलोमीटर चल रही है, 42 रुपीज का सीएनजी है, ठीक है 42 रुपीज में आपकी गाड़ी 25 किलोमीटर चल रही है, बिल्कुल, तो 84 रुपीज में आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल, 90 रुपए में 15 किलोमीटर, 84 रुपीज में डबल हो गया, डबल ज्यादा हो गया 50 किलोमीटर, समझ रहे हो आप? सही बात है। तो अब बताओ क्या करेगा बंदा? तो भाई देख लो यार, मतलब कहने वाली बात तो नहीं है पर सीएनजी भी बहुत ज्यादा भाई ये कंफर्टेबल है आपके लिए, बहुत ज्यादा बड़ी बसें, बड़े यार कहने वाली बात तो ये, गाड़ी खड़ी करने से अच्छा भाई चलाओ ना, उसमें फायदा क्या है इतना? आपने इतना पैसा गाड़ी खरीदी, अब आप रोज पेट्रोल डलाते हो आपको टॉर्चर लगता है, बिल्कुल लगता है, दिल पे पत्थर रख के डलाना पड़ता है। 1 साल तक खड़ी रही वो, थोड़ा बहुत गए इधर उधर फैमिली के साथ गए वीकली, बस खत्म हो गया। उसके बाद 1 साल बाद उसका इंश्योरेंस आ जाएगा, इंश्योरेंस को नहीं पता आपने 100 किलोमीटर चलाई 1 साल में कि 10,000 चलाई। सही बात है, वो अपना अमाउंट लेगा, बिल्कुल लेगा, पूरा लेगा, और गाड़ी का डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पैसा काय को इतना लगा रखा है गाड़ी में, चला लो। अच्छा एक बात बताओ जुई भाई, एक और मेरा एक मिथ है, किट कौन सी परफेक्ट होती है भाई जिसमें कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले? जी ऐसा है, ऐसा तो हो नहीं सकता जी, ऐसा तो कुछ कोई चीज ऐसी बनी नहीं कि किसी में कोई प्रॉब्लम ना, कोई शिकायत ना, देखा जाए तो हाँ वैसे मैकेनिक वही वाला फंडा है। आप महंगी से महंगी किट ले आओ, बिल्कुल महंगी से महंगी किट ले आओ और किसी अनाड़ी से लगवा लो तो नहीं अच्छी चलेगी, बिल्कुल, और सस्ती सस्ती किट, नॉर्मल किट, नॉर्मल अच्छी सिक्वेंशियल किट और बढ़िया टेक्नीशियन होगा, गाड़ी रॉकेट हो जाएगी, आप महसूस नहीं कर सकते कि गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है कि सीएनजी पे चल रही है। तो ब्रांड मैं सर आपकी वीडियो के उस बिहाफ से मैं सबको बताना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं ना अरे टाटा की गाड़ी है इसमें तो यही ब्रांड चलेगा, ये हुंडई की है इसमें तो यही चलेगा, मारुति के इसके लिए तो यही बनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीएनजी किट एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है,
बिल्कुल, आप वही किट एक 2500 cc की आउटलैंडर अकॉर्ड में भी लगा सकते हो और वही किट आप 800 cc की ऑल्टो में चला सकते हो, ऑल्टो में भी चला सकते हो, दोनों ही बढ़िया चलेगी। वो ये तो वही कोई जरूरी नहीं है कि भैया यही लगानी है, ये महंगी वाली, और जो कंपनी लगा के देती है भाई सिक्वेंशियल किट, उसमें उनके एक अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ओके, ठीक है, उनके जो जो प्लांट से लग के आ रही है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, उनके एक अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी बात की उनकी 80,000-90,000-1,00,000 रुपए कीमत ज्यादा होती है। बिल्कुल हाँ, ये तो वो हर चीज स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, सस्पेंशन स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, टैंक स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, ब्रैकेट, वो एक अलग फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो ऐसे ये जो हम लोग किट्स लगाते हैं ये रेट्रोफिटिंग वाली होती है। बिल्कुल होती है, ये भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ये भी सारी सर्टिफाइड है, अगर ये गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं होगी तो आपकी आरसी पे नहीं इंडोर्स होगी। बिल्कुल, बट उनका फैक्टर अलग होता है। बिल्कुल, वो ये वाली किट्स नहीं होती, वो अलग ही सप्लाई हो रही होती है कहीं और दूसरी थर्ड पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मारुति या हुंडई घर पे अपना उनका होम प्रोडक्शन नहीं होता कि मारुति वाले ही किट बना रहे, वो भी किसी मिंडा से, ल्यूमेक्स से, इधर उधर से कहीं ना कहीं से आउटसोर्स करते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो हमारी जैसे सोनेट है और वेन्यू हो गई और अपना i20 जो टर्बो इंजन में आ रहे हैं 1.0 टर्बो जो आ रहे हैं, उनके लिए अभी फिलहाल दिल्ली में किट्स अवेलेबल नहीं है। हम महाराष्ट्र वगैरह में आ गए हैं तो दो चार आपको जो वीडियोस मिलेगी वो महाराष्ट्र साइड की मिलेगी यूट्यूब पे, बट दिल्ली में इस टाइम उन गाड़ियों के लिए जो उन गाड़ियों के लिए स्पेसिफिक आएंगी किट्स वो अभी अवेलेबल नहीं है दिल्ली में, दिल्ली या NCR में भी मेरे ख्याल से, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलो बाकी 1.2 में तो है, 1.2 में इजी है क्योंकि 1.2 में सेम i20 वाला वही इंजन है, बस थोड़ा सा वायरिंग का और थोड़ा सा उसका फर्क कर दिया है, और वही i10 ग्रैंड नियोस में भी वही इंजन है, आपका सोनेट में भी वही इंजन है, और होंडा i20 में भी i20 में सेम लमसम सेम ही इंजन है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई एक सवाल था आपसे कि अभी जैसे कि हमारी ये सब 4 meter की गाड़ी है, ठीक, जैसे मेरी जो अपनी सोनेट है, ठीक है, अब वही मैं बात करूं टाटा नेक्सोन की, अपनी सोनेट हो गई, वेन्यू हो गई, देखा जाए तो हुंडई वेन्यू में भी इंजन सेम है, और अगर उसके बाद बात करूं तो XUV 300 हो गई एंड ब्रीजा हो गई, तो ये सारे सारे जो गाड़ियां हैं, अब ब्रीजा तो 1.5 में आ रही है, तो इन सब में कोई प्रॉब्लम आएगी अगर कोई भाई CNG के लिए अगर देख रहा हो, ब्रीजा यूजर हो, वेन्यू वाला हो, तो उसके लिए किसी गाड़ी में इशू नहीं आता। बिल्कुल, और हर गाड़ी में इशू आ सकता है, ये बात आप बांध लो कि ऐसा नहीं है कि आपने वो CNG लगाई तो अमर, बट हाँ अगर सही से नहीं लगी तो पहले दिन से ही परेशान होते रहोगे, और अच्छी जगह से एक ही बार में एक गो में अगर आपका काम बढ़िया हो गया, मैं ये नहीं कह रहा मुझसे ही कराओ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अपने आसपास एक अच्छा टेक्नीशियन ढूंढो, ठीक है, जिसके रिव्यूज अच्छे हो, जिसके हर कोई जिसकी वाहवाही करता हो, अच्छे से स्टडी करो, 35-40-50,000 रुपए की आप किट लगा रहे हो अपनी लाखों की गाड़ी में, एक थोड़ा सर्वे करो, ये नहीं आंख मूंद करके चले जाओ, चले जाओ, ठीक है। और मैंने एक चीज और देखी, जैसे मुझसे बहुत लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, वो कहते हैं अरे भैया वहां तो इतने की लग रही है, वहां तो उतने की लग रही है, और वो तो बड़ी महंगी लगा रहा है, वो तो बड़ी सस्ती लगा रहा है। तो सर देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आप दाल मखनी खाते हैं, बिल्कुल, या आप दाल मखनी छोड़ दो, चाट पापड़ी खाते हैं, आपको बाहर रोड पे 20 रुपए की मिल जाएगी, बट आप हल्दीराम जाते हो 150 की खाते हो। बिल्कुल सही बात है, दही भी वही है, दूध भी वही है, चटनी भी वही है, बाहर खा लो, सही बात, कुछ क्वालिटी होती है, कुछ उसमें कुछ तो बात होती है, जो आप वहाँ का एम्बियंस है, वहाँ एक ब्रांड की बात आ जाती है कुल मिला के, ब्रांड की बात भी है, फिर आप सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं, प्रॉपर आपको अच्छी प्लेट में दे रहे हैं, अच्छा चम्मच दे रहे हैं, साथ में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, सही बात, प्रोडक्ट जो है उनके वो टॉप नॉच क्वालिटी के लगे हैं, एक नंबर के, तो उस चीज की भी फर्क पड़ते हैं प्राइसिंग पे। बिल्कुल सही बात है, तो ऊपर नीचे तो देखने को मिलेगा हर जगह, हर जगह देखिए, कोई MRP के साथ तो काम होता नहीं है, सही बात है, MRP लिखा है इसमें कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते, उससे नीचे MRP तो बहुत ज्यादा लिखी होती है, बट वैसा होता नहीं है, मगर जब भी आप लगवाओ एक अच्छी जगह से लगवाओ, ये नहीं कि 200-500 हजार, बहुत से लोग करते हैं 500 हजार रुपए बचाने के चक्कर में कहीं भी लगवा लेंगे, कहीं भी लगवा लेंगे, फिर बाद में परेशान होते हैं, इतने का तो धक्के खा लेते हैं भाई। मैं अपना जूई भाई एक सीरियसली बोलूंगा, दिल से बोलूंगा, अगर कोई भाई, अगर जूई भाई के पास अपनी जो ऑडियंस है, अगर जिसने भी विजिट नहीं किया है ना जूई भाई के चैनल पे, तो भाई प्लीज एक बार जाके विजिट जरूर करना, भाई के पास इक्का दुक्का गाड़ी ऐसी आती है जो बाहर से आफ्टर मार्केट से अपना किट लगवा लेते हैं, फिर भाई को वीडियो देख के चैनल पे से भाई के पास विजिट करते हैं, और फिर भाई उसको ठीक भी करते हैं, और अपने जो ओनर होते हैं गाड़ी के वो खुशी खुशी जाते भी हैं करवा के, ऐसे भी लोग, कोई ऐसे भी लोग हैं भाई, ऐसे भी भाई हैं हमारे जो मुझसे बात करते हैं लगाने से पहले, डिस्कशन करेंगे ये ब्रांड वो ब्रांड, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जो मैं ब्रांड बता रहा हूँ कि भाई मैं ये लगा दूंगा वो लगा दूंगा, वो क्या करते हैं, अब वो मार्केट स्टडी तो हर आदमी करता है, बिल्कुल सही, हर आदमी चाहता है 200-500 रुपए बच जाए, बच जाए, इंसानी फितरत है, वो लगवा लेते हैं कहीं, अब
फिर वो सेट नहीं होती, फिर वो मुझे बोलते हैं भाई जुबी यार आपकी ना शॉप दूर थी इसलिए मैं आया नहीं, वो बहानेबाजी। मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरे पास ही आओ, ऐसा कुछ नहीं, अपने आसपास ढूंढो, सही बात, बेस्ट से बेस्ट ढूंढो और अच्छे से अच्छा काम, मतलब कहने वाली बात है जहाँ जहाँ आपको ट्रस्ट हो और जहाँ आपको देखे वहीं कराओ। 200-500 हजार रुपए आदमी कहीं खड़ा हो जाता है दोस्तों के साथ, 500 हजार रुपए यूं ही निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 500 हजार का मुंह देख के आप ये मत क्वालिटी से आप सैक्रिफाइस कर रहे हो या कुछ भी। और सीएनजी तो एक देखो ऐसी चीज है रिस्की नहीं है, और बहुत सारे भाइयों का मिथ होता है कि आग लगने का डर होता है, तो उसके पीछे क्या कहना चाहोगे? देखिए सीएनजी एक नेचुरल गैस है, ठीक है, अगर ये लीक भी होगी तो वो भी आग नहीं पकड़ेगी। एक भाई का कमेंट आया था जो अपनी सोनेट है ना अभी कुछ टाइम पहले, भाई उसमें थोड़ा आग लग गई थी, वो पता नहीं वो हो सकता है मैंने भी उस पे ना अभी तक मतलब स्टडी नहीं कर पाया उसके ऊपर गाड़ी में आग क्यों लगी, इंजन की तरफ आग लगी हुई है। तो उसमें क्या है एक भाई का डाउट आया कि भाई इसने सीएनजी लगवाई होगी और दैट साइड उसमें आग लग गई। भाई आग तो पेट्रोल में भी लग जाती है, डीजल गाड़ी में, बिल्कुल सही बात है भाई, हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन में भी लग जाती है, उसमें तो सीएनजी नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो ये आग वाग का फैक्टर होता है ना ये सिर्फ वायरिंग वगैरह से रिलेटेड होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कपलर या कोई कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ हुआ, चाहे वो नई गाड़ी हो पुरानी हो, लैम्बोर्गिनी में आग लग गई अभी थोड़े टाइम बाद पहले लगी थी ना ये लैम्बोर्गिनी में, उसमें तो सीएनजी नहीं थी ना। बिल्कुल भाई, तो बस भाई सीएनजी एक नेचुरल गैस है, अगर वो लीक भी होगी तो भी आग नहीं पकड़ेगी। हाँ आपने कहीं ऐसी एंडी पैंडी जगह से लगवा लिया और उसने वायरिंग अच्छी नहीं की, इंसुलेशन अच्छी नहीं की, कल को शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप भारी भारी सिस्टम लगवा लेते हैं लोग गाड़ी में, बड़े बड़े वूफर लगा लिया और वायरिंग करा दी लोकल, साथ में सीएनजी भी चल रही है और वो भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, दबा के वायरिंग हुई है गाड़ी में, ना सीएनजी का दोष है ना उस वूफर का दोष है, वो जो उसने सस्ती वायरिंग करा रखी है ना गाड़ी में उसका दोष है, स्पार्किंग होके फिर आग लगने के चांसेस होते हैं, लिमिट है ना, वो हीट होके पिघल गई, पिघल के सब प्लास्टिक ही है। तो भाई कहने वाली बात है जो अपना अंडर सब 4 मीटर के अंदर जो गाड़ियां आती हैं उनमें भी सीएनजी परफेक्ट है, लग सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो भाई अपना छोटी हो हैचबैक गाड़ी हो, चाहे भाई अपना वो सब 4 मीटर के अंदर सोनेट ही क्यों ना आती हो। आप बताओ ना, मैंने आउटलैंडर है 2500 सीसी 2.4 है, ऑल व्हील ड्राइव, बिल्कुल भाई ठीक है, उस तक में सीएनजी ऐसी चल रही है, बंदा हर तीसरे चौथे महीने हफ्ते वहां पहुंच जाता है हिमाचल, बताओ, कह रहा मैंने लगाई इसीलिए मेरे ताकि मैं उसको यूज कर सकूं, कह रहा वरना 5-6 की एवरेज थी उसकी। अच्छा एक बात और भाई, एक बंदों का डाउट है सीएनजी किसके लिए परफेक्ट है ये बताओ पहले, इसकी रनिंग ज्यादा हो, अगर आपकी रनिंग नहीं है ज्यादा, आपकी आपका कारोबार या आपकी जॉब ऐसी है कि आपके पास ही है ऑफिस, बिल्कुल बिल्कुल, या आपकी रनिंग नहीं है तो आपके लिए सीएनजी नहीं है, नहीं है कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है, सही बात है, आपको हफ्ते में एक दिन चलानी है 100 किलोमीटर या इतना तो आदमी कोई भी चला लेता है, कर ही लेता है, कर लेता है। हाँ जिसकी रनिंग ऐसी कि भाई रोज ही 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर 150 किलोमीटर बहुत से लोग होते हैं चलाते हैं तो उनके लिए ऐसी इंजी, आप इतना सोचो ना कितना पैसा आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पहले कि आपका 80 रुपए में आप 50 किलोमीटर चल रहे हो, अब आपका 150 का रन है रोज का, तो सोचो आप 240 रुपए 250 रुपए में आप 100-150 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हो, क्या बुरा, सही बात है, कितना पैसा बचा रहे हो आप, बिल्कुल, वो पैसा आप घर के खर्चों में लगा सकते हो, सेविंग में लगा सकते हो, फ्यूचर है, फैमिली का फ्यूचर है, जो भी है उसके लिए यूज कर सकते हो, क्या जरूरत है। देखो भाई इतनी बात तो मुझे नहीं लगता कोई और बताएगा, अगर मैं किसी और भाई के पास जाता सीएनजी लगवाने के लिए उससे आपके डाउट क्लियर करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई भाई इतना बताता। अपने जूबी भाई ने इतने सारे डाउट्स हैं जो इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे, और जिन जिन भाइयों का मिथ था कि किया सोनेट में अपनी 1.2 पेट्रोल हो चाहे 1.0 हो टर्बो वेरियंट जो आता है उसमें लग सकती है नहीं लग सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऑल वेरियंट्स ऑल अंडर 4 मीटर के अंदर जो अपनी सब 4 मीटर के अंदर गाड़ियां आती हैं सब में सीएनजी लग सकती है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अरे सब 4 मीटर से बड़ी में भी लगती, बड़ी है, में भी लगती में है। लगाते हैं लोग, लो भाई इनोवा में भी लगती है, अर्टिगा में भी लगती है, अर्टिगा में भी लगती है, और भी पकड़ लो बड़े बड़े सेडान्स में लग रही है, बिल्कुल, कई बिल्कुल। कई ब्रांड्स तो ऐसे सीएनजी के, भाई कोई किट ऐसी निकालो डीजल में भी लगवा दो यार वो फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, ट्रकों में तो लगता है कन्वर्जन होता है, लगता है भाई, और क्या, नहीं मुझे नहीं, 4 साल की उनको एक्सटेंड हो जाती है उनकी, और वो भाई डीजल और पेट्रोल में आज की डेट में 10 रुपए का ही फर्क है बस। मेरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बहुत से सीएनजी किट ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज तक में अप्रूवल्स ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई आओ मर्सिडीज में अपनी सीएनजी लगवाने चाहते हो, जैसे लोग बच्चे होते हैं शौकीन कॉलेज में एडमिशन हुआ मर्सिडीज ले ली, सस्ती मिल जाती है अब तो, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की वजह से और रीसेल खत्म है, खत्म हो रखे, सही ले लेते हैं 10-12 लाख रुपए की मर्सिडीज, अब चलाने में ऐसी जाती है, बिल्कुल 4-5 की एवरेज देती है वो, तो अब या तो वो
जो डाउट है भाई, जैसे कि हमारे पास ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें भाई IMT भी आता है और DCT भी आता है, और ऑटोमेटिक के साथ अगर आप ले रहे हैं, अगर आपके पास है चाहे वो सोनेट हो चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें CNG लग सकती है? नहीं लग सकती, बिल्कुल लग सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए गियर बॉक्स का काम है गियर शिफ्ट करना, बिल्कुल गियर बॉक्स आपका ट्यून्ड है कि मुझे सर्टन RPM पे सर्टन लोड कंडीशन पे गियर शिफ्ट मारना है, चाहे अप शिफ्ट हो चाहे डाउन शिफ्ट हो, बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है कि CNG पे चल रही है डीजल पे चल रही है। वो उस RPM पे पहुंचा, लोड कंडीशन में पहुंचा, फट गियर शिफ्ट मारेगा, बिल्कुल, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। जब तक आपका इंजन स्मूथ रन कर रहा है अपने फ्यूल चाहे कोई भी हो, तो वो अपना फ्लॉलेसली काम करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। एक सवाल और लोगों का होता है कि भाई क्रूज कंट्रोल काम करेगा नहीं हमारा, और जैसे बहुत सी हाइब्रिड गाड़ियां उनमें स्टार्ट स्टॉप होता है ऑटोमेटिकली रेड लाइट पे, तो सब चीजें वैसे ही काम करती हैं जैसे नॉर्मल कंपनी से गाड़ी आती है, वैसे ही काम करती, बिल्कुल। तो भाई जैसे कि आपने देख लिया होगा, और अपने जूही भाई ने बहुत सारे डाउट्स थे जो भाई मेरे को क्लियर भी कर दिए और आपके भी क्लियर हो गए होंगे, वीडियो आपने एंड तक देख ली होगी जरूर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी ना भाई, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और जूही भाई के लिए भी एक प्लीज थम्स अप जरूर कर देना। और हाँ, एक चीज लास्ट में जरूर बोलना चाहता हूँ भाई इस वीडियो के एंड में, प्लीज देखो CNG से रिलेटेड तो मुझे कुछ ज्यादा इतनी ऐसा कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं, जो मेरे डाउट्स से अपने जूही भाई ने क्लियर कर दिए हैं। आपको कोई भी डाउट है ना, तो भाई के चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक बार भैया अपने चैनल का नाम अपने खुद बता दो आप। जूही उस्ताद के नाम से भाई का चैनल है, स्पेलिंग USTAD, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा यही। हाँ, तो जूही उस्ताद के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है भाई का, वो आप देख लेना, और उस पे आप जाके मतलब भाई से जो भी डाउट है ना, कोई भी क्वायरी है, तो आप जाके एक बार जरूर भाई से डिस्कशन कर लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो तो उसके सारे भाई डाउट क्लियर कर देंगे। मेरे से भी आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, पर जितना हो सकता है मैं बता दूंगा आपके लिए। एक वीडियो ना मैं आपके साथ आने वाले टाइम में जूही भाई के साथ में लाऊंगा, जो इंस्टॉलेशन एक प्रॉपर होती है ना, वो चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है, लेके आऊंगा आपके लिए जल्दी से जल्दी। तो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।